भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं चल रही हूँ बैगन के खेत में, मैं आ गई हूँ बैगन के खेत में। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा बैगन लगाया हुआ है, तो अच्छे से मैं देखते हुए बैगन को फल को तोड़ूंगी। देखिए शाम की दीदी लोग सब खेत में आए हैं सब्जियाँ लेने। खेत में देखिए मैं आ गई हूँ, तो यहाँ से बैगन देखते हुए तोड़ूंगी। देखिए काफी अच्छा है बैगन लगा हुआ है, अब बिल्कुल कीड़ा बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, ऐसे मैं देखते हुए तोड़ लेती हूँ। तो ऐसे मैं तोड़ तोड़ के एक डलैया में रखूंगी। इस साइड देखिए एक बैगन इस साइड है, तो मैं इसको बचा के तोड़ लेती हूँ, ढाई बचा कर। तो इस तरफ रखेंगे डलैया और इस तरफ देखते हुए तोड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा देखिए डाल टूट गई है, ऐसे मैं देखते हुए तोड़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार एक बैगन का पेड़ देखिए, एक पौधा मैंने इस साइड लगाया हुआ है, इसमें आप लोग आइए मैं दिखाऊंगी, इसमें भी फल लगे हुए हैं। इसमें देखिए दोस्तों हकीकत में ढेर सारा फल लगा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, मैंने अच्छे से दिखा देंगे, उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। थोड़ा सा जगह रहेगा तो बहुत ही अच्छे से अगर एक बैगन का पौधा लगा देंगे तो ढेर सारा फल देगा। देखिए एक बैगन के पौधे में मैंने दो तीन थपे इसमें भी देखिए तोड़ के बनाया भी हूँ। इस तरफ देखिए इसमें जो लगा है इस तरफ देखिए आके खा गई है, और इसीलिए मैंने देखिए तोड़ लिया है कि अभी आएगी रात में तो खा जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से देखिए बैगन में फल लगे हुए हैं, तो ऐसे लगाएंगे, अच्छे से पानी देंगे, खाद देंगे, तो थोड़ा सा जगह में बैगन तैयार हो जाएगा। मतलब वही लगे भरता लिट्टी बनाओ, हला बहन लजो बनाओ, हला जो बन ले गा है आज रात के खा जा। हाँ रतियाँ क्या रही चल भाई, तभी तोड़ भाई, हाँ तभी हम का तोड़ लेंगे। देखिए दीदी लोग अपने घर रेसिपी बनाएंगे, मैं ले चलती हूँ, हम भी बनाएंगे। यहाँ से धनिया की पत्ती ले लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा देखिए खेत में सभी इसमें से बोआ है, धनिया बोआ है और पालकी भी बोआ है, सभी सब्जी थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया है, ताजी ताजी खेत में से हम तोड़ती हूँ बनाती हूँ। देखिए मैंने धनिया की पत्ती ले लिया है, चलूंगी हम लहसुन की पत्ती तोड़ूंगी। सबसे पहले देखिए मैंने आहरा को अच्छे से इसको सुलगा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने थोड़ा सा रखा है पोरा, और इसको अच्छे से मैं जलाऊंगी, तो चारों साइड देखिए ऊपर गया, इसको तोड़ तोड़ के मैं लगाऊंगी। ठंडे के मौसम में देखिए हाथ सेक लगे, उसके बाद इसके दूसरे ऊपर ही रखेंगे। आज हमारे फैमिली सब लोग खाएंगे लिट्टी भरता, और सबसे पहले देखिए मैं आटा गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आटा गूंथेंगे और लिट्टी बनाने के लिए आज मैं बनाऊंगी मखनी की लिट्टी। तो उसके लिए मैंने भुना हुआ मैंने चना लिया हुआ है, जो इसका छिलका देखिए हाथ से इसको छुड़ा देती हूँ। तो हल्के हाथ से देखिए मसालते हुए अच्छे से छुड़ाऊंगी, तो उसके साइज में छिलका मैं निकाल लेती हूँ। चना का छिलका जो है हटा दिया है, अब इसको सिलबट्टे से पाउडर करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा देखिए सिलबट्टे पर रख के इसको रखती जाऊंगी, इसको पीसती जाऊंगी। मैंने देखिए चना का पाउडर कर लिया है, इसे एक थाली में रखूंगी। मैंने मिर्चा अदरक को काट लिया है, और धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती काट लेती हूँ। अब मैं प्याज का छिलका हटा लेती हूँ। आग हमारी तैयार हो गई है, और सबसे पहले देखिए बैगन में चाकू लगाएंगे, चाकू नहीं लगाएंगे तो बैगन हमारा देखिए आग में बोल जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें मैं चाकू धसा देती हूँ, और मैं जहाँ पे चाकू धसाऊंगी देखिए वहाँ पे इसमें मिर्चा भी अच्छे से इसमें धसा देती हूँ। इसे देखिए डालकर इसमें हम आग पे रखेंगे। तो मैंने बैगन और टमाटर आग पे रख दिया, अच्छे से पक जाएगा।
अच्छे से देखिए बैगन को ढकेंगे, ढक के अच्छे से इसको भूजेंगे। मखने के लिए बनाने के लिए जो सामग्री मैंने लिया है तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा देखिए कटा हुआ अदरक डालेंगे और कटा हुआ प्याज, धनिया लहसुन की पत्ती, कटा हुआ मर्चा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो सारा सामग्री मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो मैंने पहले छोटी छोटी देखिए लोई बना लेती हूँ, उसके बाद सारा सामग्री लिट्टी में भरेंगे। देखिए थोड़ा सा पहले गहराई बनाएंगे कटोरी जैसा, सारे सामग्री अच्छे से इसी में भरेंगे। तो ऐसे हम भर भर के एक थाली में से रखती जाऊंगी। तो ऐसे ही सारे लिट्टी में मैंने भर के रख लेती हूँ। तो देखिए इस साइड मैंने अच्छे से दबा दिया है, दबाते हुए इसको हल्का सा गोला करेंगे। इसे बना बना के एक थाली में से रखती जाऊंगी। वहाँ देखिए बिल्कुल नहीं है, तो इसमें अब लिट्टी रखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आग को सेट कर लेती हूँ। अब देखिए लिट्टी मैं ऐसे आगे पर रखेंगे, देखिए आग से इसको ढक कर सेकेंगे। देखिए लिट्टी जो हमारी पक के अच्छे से फट गई है, तो आप लोग आइए मैं पास से दिखाऊंगी। देखिए अच्छे से मैं सेकूंगी। माथा में देखिए पानी डालेंगे ठंडा होने के लिए। इसका छिलका है इसको हटा लेती हूँ, बैगन का जिसमें मर्चा मैंने डाला हुआ है। देखिए तो मर्चा बहुत अच्छे से पक गया है, तो इसमें हम भरता में अच्छे से मसल के डालूंगी। तो बैगन का देखिए मैंने छिलका हटा लेती हूँ। अच्छे देखिए भुनेंगे तो बहुत ही अच्छा जो इसका छिलका है निकल जाएगा। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से छिलका निकाला हुआ है। आलू का छिलका उतार लिया है, तो इसके बड़े वाले थाली में इसको गिराएंगे और इसी में बनाएंगे भरता। बैगन टमाटर आलू अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मैंने जो बैगन में भुना हुआ मर्चा है देखिए अच्छे से इसमें मसलेंगे। जो इसका छिलका है इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो छिलका मैंने एक साइड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे देखिए कटी हुई धनिया की पत्ती, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ देखिए हरा मिर्चा, कटा हुआ अदरक और सारे सामग्री डाल के अच्छे से मिलाएंगे। तो सबसे पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। इसमें डालेंगे देखिए सरसों का तेल। अब सारे सामग्री देखिए मैंने मिला देती हूँ, हमारा भरता बन के तैयार हो गया है। अब सभी लोग खाएंगे। और देखिए मैंने शाम का टाइम बनाया हुआ है, शाम एकदम हो गई है। हमारे फैमिली देखिए अब गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाएंगे। अब मैंने गर्मा गर्म लिट्टी देखिए ढक के रखा हुआ है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी लिट्टी पक गई है। तो इसको मैं देखिए सासू माँ खाने के लिए मैं तोड़ के रखूंगी। और देखिए सारे सामग्री बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। देखिए तोड़ दिया है और ठंडा होगा, उसके बाद खाएंगे। दोस्तों ठंड के महीना में मैंने बनाया है मकुनी की लिट्टी, उसके साथ में देखिए मैंने चोखा बनाया हुआ है और सब लोग खाएंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। आज के हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक लिए राम राम।